अपने लिए परिवहन आयोग की डिमांड कीजिए, जिससे कि हमें भी सहायता मिल सके, हमारे भी कोई सुन सके, हमारी जो परेशानियां हैं वो हमारी सरकार तक पहुंच सके। टैक्सी ड्राइवर जिंदाबाद, टैक्सी ड्राइवर जिंदाबाद, ओला उबर हाय हाय, ओला उबर हाय हाय, ओला उबर हाय हाय। क्या सरकार जहां पर एक तरफ नारा देती है कि आत्मनिर्भर बनो, वहीं पर आत्मनिर्भर टैक्सी वालों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है? आज के समय में जहां पर गुजर बसर करनी मुश्किल हो रखी है, वहीं पर आज बैंक वाले व फाइनेंसर के गुंडे आके हमारे साथियों की गाड़ियां उठा रहे हैं, घरों में आके बदतमीजी कर रहे हैं, वह प्रताड़ित कर रहे हैं। सर, मेरा नाम ललित कुमार है, राजधानी परिवहन पंचायत का मैं उपाध्यक्ष हूं, और हमारी सरकार से डिमांड है कि हर किसी की नीति आयोग बनी हुई है, सभी के आयोग बने हुए हैं, हमारे लिए परिवहन आयोग की डिमांड कीजिए, जिससे कि हमें भी सहायता मिल सके, हमारे भी कोई सुन सके, हमारी जो परेशानियां हैं वो हमारी सरकार तक पहुंच सके। हम लोगों को आज रोड पे जो उतरना पड़ा है, इसी कारण से उतरना पड़ा है कि हमारा कोई आयोग नहीं है, हमारा कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो हमारी टैक्सियाँ हैं वो हमें हैवी व्हीकल जो परमिट है उससे अलग किया जाए, हमारा परमिट कंडीशन अलग की जाए, हमारी यही हमारी डिमांड है। जो हमारे 20-20 हज़ार रुपये के चलान आ रहे हैं, हम कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं हमारे 20 हज़ार का चलान आ जाता है, हमारा कहीं भी हम पानी पीते भी हैं तो पुलिस वाला हमारी सेल्फी खरीद कर खींच के और हमारा चलान भेजता है 20 हज़ार का। हम लोगों की यही डिमांड है। दूसरा, जो MCD टोल लग रहा है दिल्ली के जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जब वो घर आती हैं तो अगर वो गुड़गांव में खड़ा है, नोएडा खड़ा है, तो वो जब दिल्ली आता है रात को अपने घर, तो उसको 100 रुपये की MCD टोल देना पड़ता है घर आने के लिए भी। क्या हमें अपने चार्ज देना पड़ेगा, जबकि हम दिल्ली सरकार को हर साल टैक्स दे रहे हैं, हर रूप से दे रहे हैं, परमिट में देते हैं, फिटनेस में देते हैं, अपना परमिट रिन्यू करवाते हैं तब भी हम टैक्स देते हैं, हर जगह नो पार्किंग भी देते हैं हम दिल्ली को, तो भी हमें ऐसा क्यों हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, यही हमारी डिमांड है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और हम लोग हल्के मोटर वाहनों की संस्था राजधानी परिवहन पंचायत चलाते हैं, और आज इस कोरोना काल के अंदर जो सरकारों ने हमें प्रताड़ित किया है, उस बारे में जो सरकारों ने पहले हमारे से 12 जून को वादा किया था, वो वादा खिलाफी के खिलाफ आज हमें राजघाट से चलकर जंतर मंतर तक आना पड़ा। उसके मुख्य कारण यह है कि सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि जो 40 की स्पीड पे हमारे टैक्सियों के चलान हो रहे हैं वो चलान माफ़ किए जाएंगे, वह जो हमारी टैक्सी की स्पीड है उस स्पीड को पुनः जितनी की नॉर्मल गाड़ी की स्पीड है उतनी किया जाएगा। परंतु आज 12 जून के बाद अक्टूबर बीतने को जा रहा है, किसी सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी। हमने मेल द्वारा, चिट्ठियां द्वारा, फ़ोन द्वारा, हर तरह से परिवहन मंत्रालय भारत सरकार में संपर्क किया, इनके जॉइंट सेक्रेटरी प्रियंक भारती से लगातार संपर्क कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार सोई हुई है, या सरकार जहां पर एक तरफ नारा देती है कि आत्मनिर्भर बनो, वहीं पर आत्मनिर्भर टैक्सी वालों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। आज के समय में जहां पर गुजर बसर करनी मुश्किल हो रखी है, वहीं पर आज बैंक वाले व फाइनेंसर के गुंडे आके हमारे साथियों की गाड़ियां उठा रहे हैं, घरों में आके बदतमीजी कर रहे हैं, वह प्रताड़ित कर रहे हैं। एक आदमी जो घर में अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पाता, आज उसकी गाड़ियां छीनी जा रही हैं, जबकि हिंदुस्तान के संविधान में लिखा गया है कि जो रोजगार है आपका उसको छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या क्या परेशानी, क्या क्या हो रही है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर? सबसे बड़ी बात, आज लॉकडाउन के चलते, इस महामारी कोविड के चलते, पर्यटन विभाग जो पर्यटन व्यवसाय है तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है, ना टूरिस्ट कहीं से बाहर से विदेश से आ रहा है और ना ही देश का टूरिस्ट कहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि आर्थिक तौर पर आज सभी लोग जेबों से खाली हो चुके हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो नौकरी करता हो। आज मोटे मोटे खर्चों के चलते कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी को जीविका को कोई साधन मिल पाए। आज हमने देखा कि दिल्ली के अंदर
स्पीड को लेकर, नो पार्किंग को लेकर तरह तरह के चलान हमारे इन कामगार भाइयों को, जो कि स्वयं रोजगार अपने जीविका चलाने वाले आदमी, मजदूर आदमी हैं जो रोड पर रहते हैं। अब टैक्सी कोई भी आदमी क्यों करता है? टैक्सी करने का मुख्यतः कारण ये होता है कि कोई आदमी अपनी लग्जरी के लिए करता है कि मैं बस में नहीं चढ़ सकता, ऑटो में मुझे हवा लगती है, पॉल्यूशन लगता है, मैं टैक्सी करता हूँ। तो टैक्सी वाला किसी बस स्टैंड पर नहीं उतरेगा, टैक्सी वाला अपनी मर्जी की जगह पर कहेगा कि यहाँ रोक दो। अगर वहाँ पर गाड़ी हम नहीं रोकेंगे, अगर हम टूरिस्ट बिठा रखे हैं तो अगली बार से हमारी गाड़ी में नहीं बैठेगा। अगर हम ओला उबेर में गाड़ी चला रहे हैं तो वो एक मेल कर देगा कि ड्राइवर ने बदतमीजी की, मात्र इतना कह देने से कि मैडम मैं गाड़ी साइड में कर लूँ, सर मैं गाड़ी थोड़ा आगे ले जाऊँ, इतना मात्र कर देने से उसको एक मेल चली जाती है और उसकी सारी जिम्मेवारियाँ ब्लॉक करके ओला उबेर उसको बाहर कर देती है। जिस आदमी ने 7 लाख की गाड़ी ली होती है, आप ये बताएं कि वो 7 लाख की गाड़ी को गले में डालकर तो नहीं चल सकता? वो व्यवसाय करने के लिए यहाँ है। आज 8-8 महीने से लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोड टैक्स लिया जा रहा है, पेनल्टी ली जा रही है, फिटनेस फीस ली जा रही है, इंश्योरेंस तक ली जा रही है, जो कि भारी भरकम है। हमने सरकार को लिखा कि आप इंश्योरेंस करते हैं, एक इंश्योरेंस के ऊपर अगर 15,000 की इंश्योरेंस होती है तो उसमें 11,000 रुपये थर्ड पार्टी होती है। जिस भाई ने 3 साल तक थर्ड पार्टी कर दी, दे दी और कोई क्लेम नहीं लिया, तो 4th साल उसकी थर्ड पार्टी माफ़ होनी चाहिए, जिससे कि उसकी इंश्योरेंस 2 या 3 हज़ार रुपये की हो, उससे वो आराम से करवा पाए। 11,000 रुपये हमने दिया था कि कल को थर्ड पार्टी में किसी को डैमेज होता है, किसी को चोट लगती है, किसी को नुकसान होता है, तो उसके लिए हमने पॉलिसी कराई। लेकिन जब हमने कोई नुकसान का क्लेम नहीं किया, 3 साल तक हमने 33,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को दे दी, तो सरकार क्यों उन सरकारों को फ़ायदा देना चाहती है? सरकार इन टैक्सी चालकों को क्यों लूटना चाहती है? हमारा सरकार से पुरजोर निवेदन है कि 2 साल तक के लिए हमारी किस्तों में, हमारे ब्याज में, रोड टैक्स परमिट पे, सभी पे हमें छूट दी जाए।